धार्मिक गल ना तुलना ना करो, वो एक पोलीटिकल पार्टी का बंदा सी, इनडिसिप्लिन पार्टी दे विच जिहड़ा भी क्रिएट करदा सारियां पार्टियां बंदे नूं कढ़दियां ने, इनडिसिप्लिन किसी की कीमत पे टॉलरेट। लेकिन उसका कहना है कि वो दरबार साहब में जाएगा, वहां पर सरोवर के पास बैठकर केजरीवाल साहब से बात करेगा कि उसकी सुनवाई नहीं हो रही। उसको कौन डकता है? पिछली बार भी जब केजरीवाल साहब आए थे तब भी वो गया था, तब भी नहीं मिलने दिया, तब भी मिला, मेरे सामने मिला है केजरीवाल साहब को। लेकिन वो कह रहा है कि आपके पास किसी ना किसी चैनल को तस्वीर भी होगी। वो कह रहा है कि टाइम दिया कि मैं बाद में आपके खिलाफ बोला था। जब बात तो फिर आप तो बोलते हैं कि बात नहीं हुई, मेरे सामने बात हुई है, मैं साथ आ रहा था, पांच मिनट केजरीवाल सर से बात की है उसने, गंभीर आरोप लगाए हैं। बिल्कुल गलत गल कर रहे हैं। संजय सिंह का भाई जो है वो न्यूयॉर्क में बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, वो इंजीनियर है, उसका मेरे ख्याल 2 लाख से ऊपर की उनकी एक महीने की सैलरी है, वो अपने बच्चे का बर्थडे मनाने आया था। कैसी बातें कर रहा है संजय सिंह? हमारी तरह हम भी तो साधारण लोग हैं जो सारा दिन समाज के लिए काम करते हैं, हमारे भाई हमसे आगे बढ़ सकते हैं, वो मेहनत करते हैं, जॉब करते हैं, उनके पास पैसा बंद हो सकता है, तो ये ऐसी फजूल बातें नहीं करनी चाहिए। और उन्हें गजेंद्र बेबुनियाद उसके सारे इल्जाम है, और उन्हें गजेंद्र जब कोई आदमी निराश होता है तो ऐसी बातें करता है। और उन्हें गजेंद्र शर्मा पे भी इल्जाम लगाए ने कि इसने पंपलेट और पोस्टर वंडर से कबलेबाजी की है, बगैर रसीद तो लोगों तो आपका दान ले, वो साढ़े नोटिस में लिया है, असं खुद आपे इंक्वायरी करेंगे, असं तो बिल्कुल किसी करप्ट बंदे बर्दाश्त नहीं करते, और उन्होंने कोई हक साड़ी पार्टी बारे गल करने का नहीं।